इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद कांप गया चंद्रावत माल्य राव का पराक्रम देख के। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज का पूरा एपिसोड माल्य राव को ही डेडिकेटेड था। माल्य राव ने जिस तरह युद्ध भूमि में अपना पराक्रम दिखाया है उसको देख के तो बड़ों बड़ों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाए। चंद्रावत तो चीज ही क्या है, मगर चंद्रावत जो चीज है वो गुन्नू जी का ही दोस्त दिखाई देता है, क्योंकि जैसे गुन्नू जी छल करते हैं वैसे ही चंद्रावत। तो चंद्रावत का जो आज हाल हमने देखा है वो एक डरे हुए इंसान का ही हाल था, इसलिए वो छुप के माल्य राव पे कुछ ऐसे वार कर रहा था जिसका प्रभाव धीरे धीरे माल्य राव पे होता हुआ नजर आया। चलिए डिटेल में चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। माल्य राव के बारे में विस्तृत जानकारी गुन्नू जी पहले ही चंद्रावत को दे चुके थे, मगर चंद्रावत ने अपनी योजना गुन्नू जी को नहीं बताई, क्योंकि गुन्नू जी पे कहीं ना कहीं वो खुद भी विश्वास नहीं करते हैं और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि चंद्रावत जैसे इंसान जो है गुन्नू जी पे कैसे विश्वास करें, क्योंकि वो खुद ही ऐसे है। यहां पे सवाल है एक ऐसे योद्धा का जो कि माल्य राव है, जो सामने से लड़ना जानता है शेरों की तरह, मगर ये गीदड़ चंद्रावत जैसे जो पीछे से वार करना जानते हैं। गुन्नू जी की जानकारी को अपने अंदर समेट के चंद्रावत ने उसका फायदा उठाया। यहां पे माल्य राव जो कुछ सैनिकों के साथ चंद्रावत पे हमला करने आया था, जबकि चंद्रावत के पास तो बड़ी सेना है, अगर वो चाहता तो सामने से हमला करता, मगर बड़ी सेना होने से हौसला बड़ा नहीं होता है दोस्तों। बड़ी सेना होना और हौसला होना दोनों एक चीज नहीं हो सकती है। यहां पे माल्य राव के पास बड़ी सेना नहीं थी, मगर हौसला माल्य राव का पूरा ऊपर था, और दूसरा उसकी आई का आशीर्वाद और जो उन्होंने जाते जाते उसको शिक्षा दी, वो ज्ञान उसको याद था, मगर कब तक याद रहता दोस्तों, क्योंकि माल्य राव नेचर से तो गुस्से वाले ही हैं, जैसे कि खंडेराव भी अपने समय पे भूल जाते थे और फिर कोई प्रवोक करता था तो खंडेराव प्रवोक हो जाते थे, माल्य राव उन्हीं का पुत्र है। यहां पे चंद्रावत ने सामने से हमला नहीं किया, माल्य राव ने जब चंद्रावत को पुकारा तो चंद्रावत सामने नहीं आया, मगर जब माल्य राव जाने लगा तब चंद्रावत ने अपना चक्रव्यूह शुरू किया, उसके भी सामने नहीं आया। चक्रव्यूह में भी सैनिकों को मरवाता रहा अपने, मगर खुद छुपकर सेना के पीछे माल्य राव को उकसाता रहा। जो गुन्नू जी ने कहा था उस बात को पूरा ध्यान देके यहां पे उस बात का जो है उसने फायदा उठाया, वो हथियार जो छल वाला हथियार है वो यूज किया, अब उसमें कामयाब हो गया, इसीलिए तो माल्य राव गिरफ्तार हो गया। माल्य राव ने जिस तरह उसकी सेना को खदेड़ा, अगर चंद्रावत सामने होता तो चंद्रावत के भी कई टुकड़े कर देता माल्य राव, और इस बात का ज्ञान चंद्रावत को हो गया था, क्योंकि माल्य राव जैसे हमने देखा युद्ध भूमि में लड़ रहा था, आगे भी लड़ता रहता और जीत पक्की थी माल्य राव की, मगर क्या करें, सामना ही ऐसे छल कपट वाले लोगों से होता है जो सिर्फ छल करना जानते हैं युद्ध करना नहीं जानते हैं। तो ये जो इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद जो काम किया है चंद्रावत ने इस धारावाहिक के जरिए जो हमने देखा है वो सिर्फ कायरों का काम ही है, और कायर कभी जीतते नहीं है दोस्तों। अल्टीमेटली जीत होगी जो शूरवीर है, जो योद्धा है, चाहे वो युद्ध में गिरफ्तार ही क्यों ना हो जाए, मगर फिर भी जीत के हकदार वही होते हैं, और ऐसा ही माल्य राव ने आज की कड़ी में साबित किया है। मुझे तो अच्छा लगा, माल्य राव बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जितना भी उसने पहले ऐसे काम किए हैं जिससे माल्य राव अच्छा नहीं लगता था, इस बार कुछ दिनों से माल्य राव बहुत अच्छा लग रहा है। पुराने वाला जैसे क्रिश एक्टर को हम देखते थे वो सामने आके हमारे सामने खंडेराव की भूमिका ऐसे निभा रहा है, माल्य राव के किरदार में ये दिखाई दे रहा है। मुझे तो अच्छा लगा, आपकी क्या राय है इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.